हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर जाट समुदाय का आंदोलन जारी है। नौवें दिन भी और जाट समुदाय अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। पिछली बार सबसे ज्यादा हिंसा रोहतक में हुई थी, इसलिए रोहतक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि जाट नेता यशपाल मलिक ने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की बात कही थी, अगर मांगे नहीं मानी जाती। हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा लाइव। ललित, आंदोलन जो है वो नौवें दिन में प्रवेश कर चुका है, इस वक्त जो है दोनों तरफ से क्या कुछ चल रहा है? मतलब जो जाट समुदाय है उसकी तरफ से वो लोग तो डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर बाकी दलों की तरफ से क्या कुछ हलचल है? श्रमित, बात करें क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन का ये आज नौवां दिन है, और जहां पर एक तरफ जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती है तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा, और एक उन्होंने चेतावनी ज़रूर दी है कि 12 फरवरी के बाद अगर सरकार जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है तो उसके बाद से बलिदान दिवस है उसको मनाया जाएगा, और जो ये धरना है फिलहाल जो अभी हरियाणा के ज़िलों में चल रहा है उसको आगे बढ़ा के दायरा बढ़ा के उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी इस एजिटेशन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे अगर हम सरकार की तरफ से बात करें, सरकार ने इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और चाक चौबंद जो प्रबंध है वो किए हुए हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है लगभग 55 टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई है, उसके अलावा 7,000 जो होमगार्ड है उनको तैनात किया गया है, और जो हरियाणा की पुलिस फोर्सेज हैं वो तो साथ में डिप्लॉयड की गई है। उसके अलावा जो ज़िले में जो डीसीज हैं उनको रसुका की पावर दी गई है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 90 दिन तक नज़रबंद कर सकते हैं।